जिसने देश की सारी संपत्तियां बेच दी वो शिव नहीं भस्मासुर ही हो सकता है। हिमाचल सरकार के मंत्री सुरेश भारद्वाज को बोलने में शायद भूल हो गई, उन्हें भस्मासुर कहना चाहिए था। यह प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने दी। श्री शर्मा भाजपा सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को शिव का अवतार कहने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव तो देवाधिदेव हैं, उनकी तुलना किसी भी देवता से नहीं की जा सकती, इंसान से तुलना करना तो नादानी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री का यह बयान हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, निसंदेह इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि मंत्री को इसके लिए सार्वजनिक मुआफी मांगनी चाहिए, यह भाजपा मंत्री की चापलूसी की चरम सीमा है, राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण है। दीपक शर्मा ने कहा कि राजनीति की खातिर भाजपा धर्म का इस्तेमाल करती है, यह भाजपा नेताओं के गिरते मानसिक स्तर को दर्शाता है। भाजपा सरकार में मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी द्वारा जो मोदी जी की तुलना शिव भगवान से की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी बोलने में गलती कर गए। वो भस्मासुर कहना चाहते थे लेकिन शिव बोल गए। जो पूरे देश की संपत्तियां बेच रहा हो उस व्यक्ति को शिव का अवतार नहीं कहा जा सकता, निसंदेह भस्मासुर ज़रूर कहा जा सकता है। मंत्री जी का ये बयान जो है ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि किसी देवी देवता से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। आप देवी देवताओं की तुलना इंसान के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन जो देवाधिदेव हैं उनकी तुलना किसी के साथ भी करना भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। ये व्यक्ति पूजा की एक चरम सीमा कह सकते हैं आप, कि अंधभक्त इस तरह से व्यक्ति पूजा में तल्लीन हो चुके हैं कि उनको ये धर्म के नाम के ऊपर, धर्म का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन धर्म के ऊपर चलते नहीं हैं। ये धर्म को राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन राजनीतिक धर्म नहीं निभाते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हैं। अक्सर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी बयानबाजी करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। निसंदेह मंत्री महोदय का ये बयान जो है आपत्तिजनक है, इसके ऊपर हमें घोर आपत्ति है। इससे हमारी मानसिक जो हमारी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, वो आहत हुई हैं। मंत्री को इसके लिए मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र टोच की रिपोर्ट।